प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में क्लास सेकेंड सोशल साइंस कौन सा लेसन है, लेसन फोर। कौन सा लेसन पढ़ेंगे हम लोग, लेसन फोर द फूड वी ईट। बुक में हम आपको कल ए का बताया गया, टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना। आज उसमें बी में देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक। फिल में सोचा भरना, इन माने में, द ब्लैंक खाली जगह भरना है। तो पहला इसमें देखिए क्या है, फूड, फूड में क्या होता है भोजन, गिवे अस। यहाँ पर देखिए लाइन, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर भरना पड़ेगा आपको सब, एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, फूड हमें देता है, क्या देता है, स्ट्रेंथ ताकत, और क्या देता है, एनर्जी। क्या भरा जाएगा, एनर्जी। यहाँ पर क्या भरेंगे, ई एन ई आर जी वाई, क्या भरेंगे, एनर्जी, ऊर्जा और ताकत देता है। दूसरा देखो, वी यूज आवर एनर्जी टू, हम यूज प्रयोग में लाते हैं एनर्जी ऊर्जा को, किस चीज़ में लाते हैं, वर्क एंड प्ले। यहाँ पर दो स्पेस खाली है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर क्या भरेंगे बेटा, वर्क, डब्ल्यू ओ आर के, वर्क एंड यहाँ पर क्या भरेंगे, प्ले, क्या भरेंगे, प्ले। ठीक, तीसरा देखो, वी शुड नॉट ईट, हमें खाना नहीं चाहिए, कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए, हम बताए थे पिछली वीडियो में, स्टाल, कौन सा भोजन खाना नहीं चाहिए, स्टाल, एस टी ए एल आर। और कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए, अनकवर्ड, जो खुला हुआ भोजन है, हमेशा ढका हुआ भोजन करना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखेगा, लिखेंगे अनकवर्ड, यू एन सी ओ वी ई आर ई डी, अनकवर्ड फूड। इस तरह तीन, चौथा देखिए क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड आर, हमने बताया था बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या पाया जाता है, अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, पाया जाता है प्रोटीन, प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन क्या है, रिच। यहाँ पर क्या भरेंगे, रिच, आर आई सी एच, रिच इन प्रोटीन्स। बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या है, प्रोटीन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, रिच, क्या भरा जाएगा, रिच। आगे देखिए वी, पांचवा नंबर देखिए, वी शुड ड्रिंक, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, बुक में देखेंगे आप वाटर, हमें पानी, वी माने हमें, सुर माने चाहिए, ड्रिंक माने पीना, आप माने का वाटर, पानी, पानी पीना चाहिए अधिक मात्रा में। अगर भोजन हमें एक दो दिन नहीं मिलता है तब भी हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं। इसलिए जो है पानी जो है कितना बताया गया है, दिन में प्रतिदिन डेली बेटा 8 to 10 ग्लास प्रतिदिन डेली आप पीजिए। क्या रहेगा यहाँ पर, प्लेंटी, क्या रहेगा बेटा,
प्लेंटी PL ENTY प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक, इस तरह आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हुआ है। अब देखिए सी क्या है, सी क्या है, सी बी हो गया है सी। गिव टू एग्जाम्पल, गिव माने दीजिए, टू माने दो, एग्जाम्पल्स में उदाहरण, दो दो चीज लिखना है आपको। बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या है, कौन सा फूड है यह लिखना है। एनर्जी गिविंग फूड में यहाँ पर वन और टू लिखना है। प्रोटेक्टिव फूड में यहाँ पर लिखना है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या लिखेंगे आप, पहला लिखेंगे फिश, क्या लिखेंगे, फिश FISH फिश। दूसरा क्या लिखेंगे, मिल्क, क्या लिखेंगे, मिल्क जो है पूर्ण भोजन है, इसमें सब कुछ प्रोटीन विटामिन सब पूर्ण रूप से मिला हुआ है। मिल्क जो है पूर्ण भोजन है। एनर्जी गिविंग फूड में क्या भरेंगे आप, राइस, राइस है, शुगर है, यहाँ पर दो ही लिखना है, क्या लिखेंगे, RICE शुगर FUGAR शुगर। तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड बताया है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्या लिखेंगे, फ्रेश फ्रूट्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रूट FRUITS फ्रूट्स, और वहाँ क्या लिखेंगे, वेजिटेबल VEGETABLES वेजिटेबल्स, फल और सब्जियाँ। ये क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है, इसको खाने से हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है, बढ़ाता है। और एनर्जी गिविंग फूड, ये हमें ऊर्जा देता है, ताकत देता है, शरीर में क्या करता है, स्फूर्ति लाता है। और बॉडी बिल्डिंग, ये भी बल देता है हमें। इस तरह दो दो लिखना है, इतना आप सोशल की कापी में साफ साफ लिखेंगे और याद करेंगे अगले।